अस्सलाम वालेकुम, हम और हमारा कराची में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त जावजात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन बहादुराबाद सिटी सेंटर के अतराफ़ में जारी हो सारी है। ठेले पथारे काउंटर जो भी रोड की रुकावट का बाइस बनते हैं रिमूव करते जा रहे हैं। सीनियर डायरेक्टर बशीर सिद्दीकी के जेर सरपरस्ती कराची डायरेक्टर ईस्ट खुर्शीद मुकर्रम, डिप्टी डायरेक्टर सुहेल राणा, असिस्टेंट कमिश्नर और पुलिस एंटी इंक्रोचमेंट टीम्स के हमरा तजावजात की इस कार्रवाई को मुकम्मल किया जा रहा है। बहादुराबाद तारिक रोड ट्रैफिक की सूरत हाल के हवाले से काफ़ी ज़्यादा वर्स सूरत हाल का शिकार है और यकीनन आवाम का बहुत ज़्यादा रश ट्रैफिक का तारिक रोड की तरफ देखने को मिलता है और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ आवाम को झेलना पड़ती है, जिसमें सॉफ्ट इंक्रोचमेंट और हार्ड इंक्रोचमेंट भी यकीनन शामिल है। और इसके रिमूवल के लिए ये एक्शंस लिए जा रहे हैं ताकि कराची वालों को बेहतर सहूलतें मिल सकें। इसी के साथ हमें बहुत से लोग कमेंट करके अपनी तकलीफ़ात शेयर करते हैं, अपने एरिया से मुतालिक कंप्लेंट्स का भी जिक्र करते हैं, तो हम उनके कमेंट्स का सबसे पहले तो शुक्रगुजार हैं। और साथ ही व्यूवर से रिक्वेस्ट करेंगे कि केम्स ईस्ट, वेस्ट, साउथ, कोरंगी, औरंगी सेंट्रल में जहां आप रिहाइश पजीर हैं उस डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आप अपनी कंप्लेंट्स दर्ज करा सकते हैं, यकीनन केएमसी एक्शन लेगी। और बहुत से व्यूवर्स गरीबों के लिए सॉफ्ट इंक्रोचमेंट को सपोर्ट भी करते हैं, मगर यही गरीब आदमी एक रुपये का पुदीना 10 या 15 रुपये में सेल करता है और रमज़ान की आमद करीब है। अंदाज़ा हो जाएगा आपको यही फल फ्रूट्स किस कदर आपको महंगे मिलने वाले हैं रमज़ान की आमद पर। और महंगाई के हवाले से हम बुरा भला अपनी गवर्नमेंट को कहते हैं। अगर आपको यकीन नहीं तो कराची की वेजिटेबल मार्केट में एक दफ़ा विजिट ज़रूर करें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि क्या हम सही बोल रहे हैं या गलत। हम गरीब की तो फिक्र करते हैं मगर उस मिडिल क्लास बंदे को भूल जाते हैं जो 20 से 25 हज़ार के लिए सुरजानी से सदर या टावर का सफ़र करता है। वापसी में 50 मिनट का सफ़र 1 घंटा 20 मिनट का लग जाता है सिर्फ और सिर्फ इस इंक्रोचमेंट की वजह से। फिर भी हो सकता है आप हमारी बात से मुत्तफिक ना हो, तो हमें कमेंट करके ज़रूर अपनी कीमती राय से आगाह कीजिए। और अगर हम यहाँ पाकिस्तान के इदारों की बात करें तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहे हैं और होंगे। हम और आप मिलकर ही इस पाकिस्तान के सिस्टम को बेहतर कर सकेंगे। और यहाँ एक एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद है साबका चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब की, जिनकी वजह से कराची में बहुत से बेहतर काम हुए और वो सिर्फ एक अकेले आदमी ने कराची को कितना बेहतर कर दिया। तो अगर हम कराची वाले मिलकर काम करें तो इंशाल्लाह किस कदर बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। सही है जाने का खैर कुछ नहीं था, पकड़ के रखो पकड़ के
इसी के साथ दोस्तों चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज हम और हमारा कराची को। अस्सलाम वालेकुम।